शर्त है जिक्र मुहम्मदी के लिए, तो पहले इस शर्त को पूरा कर लें, बारगह नाज में दुरूद के नजराने पेश कर लें। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم। इस नात के दो एक शेर सुना देता हूँ। करे अहतमाम भी ईमां की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है जिक्र मुहम्मदी के लिए, और मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। सुभान अल्लाह। और तुला हुआ है करम बंदा परवरी के लिए, तुला हुआ है करम बंदा परवरी के लिए, कुशादा दामने रहमत है हर किसी के लिए। कुशादा दामने रहमत है हर किसी के लिए। और ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुम्हारे महरे करम के जहूर से पहले, तुम्हारे महरे करम के जहूर से पहले तरस रही थी भरी बज्म रोशनी के लिए, तरस रही थी भरी बज्म रोशनी के लिए। और तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। वाह, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। और नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा, नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। चला हूँ लेके ये मोती सुभान अल्लाह दरे नबी के लिए, दरे नबी के लिए। और लगी हैं रोज़े पुरनूर पर मेरी आँखें, लगी हैं रोज़े पुरनूर पर मेरी आँखें, ये एहतमाम जरूरी है मैं कशी के लिए। वाह 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 वाह, ये एहतमाम जरूरी है मैं कशी के लिए। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी नात सुनाए सुने पढ़े लिखे, अल्लाह 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 अल्लाह, तुम्हारी नात सुनाए सुनाए सुने पढ़े लिखे, बड़ा शरफ है ये खालिद ये जिंदगी के लिए। और एक कलाम और मैं आपको सुना देता हूँ। और ये कलाम कहाँ से मैंने लिया है, मुझ पर ये राज पहली मर्तबा मुनकशिफ हुआ कि हुजूर खैरुल अज़किया शायरी भी फरमाते हैं। और ये कहाँ से खुला, एक किताब मेरे दोस्त हज़रत मौलाना काजी शाह अरशदुल क़ादरी साहब ने मुझे इनायत फरमाई, जो आप ही की तसनीफ है। दो किताबों का तो रस्म इजरा हुआ अभी, दुआ सादिकीन का और शुआए ईमान का। ईमान के तकाजे क्या हैं, उसकी असनाफ क्या हैं, उसकी हकीकत क्या है, और उस तक रसाई कैसे हो। देखिए, दावे ईमान अलग चीज़ है और हकीकत ईमान अलग चीज़ है। वाह बेशक, जिंदाबाद, माशाल्लाह। में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बेशक बेशक, हम लोग मुद्दईयाने ईमान तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक हम अपना ईमान साबित कर पाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ईमान का दावा अलग है और ईमान की कैफियत दिलो दिमाग में उतर जाना ये अलग बात है। इसीलिए कुरान ने साफ लफ्जों में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। आहा, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। अल्लाह 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 अल्लाह, भाई ईमान वाला तो वही होगा ना जो अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए। तो अल्लाह कह रहा ईमान वालो, फिर कह रहा ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। मतलब क्या हुआ, ऐ वो लोग जो ईमान के दावेदार हो, समझ रहे हैं, ईमान का दावा है ना अपनी जबान से। और दावा तो ऐसा है कि हम ही मोमिन हैं, बस दावा तो इतना बुलंद है हमारा कि हम ही मोमिन हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि है वो लोग जो ईमान के दावेदार हो,
हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वाह, तो ये दावा हकीकत में बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, बोलिए। बेशक, उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, कुछ मेहनतें करनी पड़ेंगी, उन तरीकों पे चलना पड़ेगा जिन तरीकों पे चलने से दावा हकीकत में बदलेगा। उन्हीं तरीकों को अपनी किताब शुआए ईमान में तहरीर फरमाया है मेरे दोस्त काजी शाह अरशदुल कादरी ने। हम अपने दावे ईमान को हकीकत में कैसे बदलें? सुभान अल्लाह। तो किताब खरीदिए और पढ़िए, समझे। किताब किस लिए लिखी जाती है? किताब का लिखने का मकसद ये नहीं है कि मैं मुसन्निफों की फहरिस्त में अपना नाम भी शामिल करवा लूं। किताब लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वाबस्तगान की इसलाह हो सके। जो लोग खानकाह से, हुजूर खैरुल अज़किया से और इस खानवादे से अकीदत रखते हैं, निस्बत रखते हैं, बिलखसूस उनकी इसलाह हो सके, और बिलअमूम जिनके हाथों तक पहुंचे वो इस किताब को पढ़ें और अपनी इसलाह करें। तो इस मकसद के पेश नज़र बड़ी मेहनत के साथ किताब लिखी जाती है, हैं? बहुत मुश्किल काम है ये तसनीफ, बहुत मुश्किल काम। उससे हल्का है तदरीस और उससे हल्का है तकरीर जो मैं कर रहा हूं। अलमिया ये है इस कौम का कि जो सबसे हल्का काम करता है उसको दबा के नजराना देती है और जो सबसे मुश्किल काम करता है उसको दुआ भी नहीं देती। अल्लाह 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 अल्लाह, ये बिलखसूस हमारी जमात का अलमिया। वाह वाह, दूसरी जमात में तो मुसन्निफीन की कद्र की जाती है, बड़ी बात है, लेकिन हमारी जमात में मुसन्निफीन की नहीं मुकर्ररीन की कद्र होती है। और मुकर्ररीन भी नहीं कहना चाहिए, मैं तो कहूंगा लफ्जों की बाजीगरी करने वालों की कद्र होती है। बेशक बेशक बेशक, सही बेशक। जो लफ्जों से खेलते हैं उनको सरों पे बिठाया जाता है, और जो शबो रोज इर्करेजी करके कोई किताब तस्नीफ फरमाते हैं उनका नाम तक लोग नहीं जानते। ये अलमिया है। पूछा जाए अपनी जमात के नुमाइंदा उलमा का नाम बताओ तो फक्कड़बाजों के नाम बताए जाए। अल्लाह अल्लाह, बहुत तल्ख बोल रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर, क्या बात है। जो हकीकी उलमा हैं, जो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं पूरी उम्मत की तरफ से, उनका नाम तक नहीं मालूम है लोगों को। बेशक बेशक, नाम तक नहीं जानते। और जो स्टेजों पे आकर चूरन बेच रहे हैं वो पता नहीं क्या क्या। मैं असल में पता नहीं क्या क्या इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई भी लफ्ज बोलूंगा पता नहीं किसी के लकब से मुलक्कब हो जाए तो वो समझ लेगा मेरे खिलाफ बोल, मेरे खिलाफ बोल रहे जी, इसलिए इसलिए कोई लफ्ज नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या बने जी। तो लफ्जों से खेलने वाले और गवैये हमारी जमात के कायद बन गए। सही, मुआफी के साथ कह रहा हूं। और जो हकीकी उलमा हैं, जो हकीकी मशायख हैं, जो सुबह शाम वो पढ़ रहे थे ना कासिम साहब के हाल व काल, नहीं कासिम साहब ने तकरीर में फरमा रहे थे शहजादे हुजूर खैरुल अज़किया जी जी, यहाँ तो हाल व काल, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था उसी वक्त जरा सी तरमीम के साथ कि खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे, खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे के दरवे बुवद हाल व काले मोहम्मद, कीलो काले नहीं हाल व काले मोहम्मद। ये खानकाह का मदरसा है, यहाँ कील पील का कोई मसला ही नहीं होता। अल्लाह अकबर, जो काल है उसको हाल में बदलो। ये मदरसा खानकाह के हाथे में है ना, तो खैरुल अज़किया की तो तरबियत ही यही होती है और फोकस ही यही होता है कि जो काल हुआ उसको हाल में बदलने की फिक्र करो। बेशक, हाँ, दीगर जो आजाद मदरसे होते हैं वहां का हाल ये है कि काल इसलिए हो रहा है ताकि कील कर सके, हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि फैटम फैटी कर सके, गुत्थम गुत्थी कर सके। अल्लाह अल्लाह, इकबाल ने बहुत तल्ख कहा है, मैं भी हाजिर था वहां जब्ते सुखन कर न सका। वाह, इकबाल कहते हैं मैं भी हाजिर था वहां जब्ते सुखन कर न सका, हक से जब हजरत मुल्ला को मिला हुक्म बहिश्त,
जब अल्लाह ने मुल्ला जी को जन्नत का हुक्म दिया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल पड़ा। और क्या बोला? अर्ज की मैंने इलाही मेरी तकसीर मुआफ, खुश ना आएंगे इसे हूर और शराबो लबे किश। जिस जन्नत में तू भेज रहा है वहां हूर मिलेंगी, शराबे तहूर मिलेगी, लबे किश्त मिलेगी, उसमें इसको थोड़ा ही मजा मिलेगा। तो काहे को उस जन्नत में इसको भेज रहा है? और अगले शेर में क्या कहा इकबाल ने, नहीं फिरदौस मकामे जदलो कालो अकूल, और बहसो तकरार इस अल्लाह के बंदे की सिरिश्त। अल्लाह अल्लाह, कि जन्नत बहसो तकरार की जगह नहीं है, और इसको बहसो तकरार के बगैर मजा ही नहीं मिलेगा, मजा ही नहीं मिलेगा, वाह वाह वाह, इसको झगड़ा किए बगैर सुकून ही नहीं आएगा। तो परवरदिगार इसको जन्नत में न भेज, उस जगह भेज जहां ये झगड़ा कर सके, और जन्नत में झगड़ा होगा नहीं। तो यहां तो ये खानकाह की चार दीवारी के अंदर है ये इदारा, तो यहां कील नहीं हालो काले मोहम्मद की बात होती है। यहां के असातिज़ा, यहां के तलबा, यहां के जिम्मेदारान, उनका पूरा फोकस इसी पर होता है कि जो काल हुआ उसको हाल में बदलने की कोशिश करो, जो पढ़ा उसे अपने ऊपर अप्लाई करो। इसलिए न पढ़ो कि दुनिया को बताएंगे, इसलिए पढ़ो कि पहले अपने आप को बदलो। वाह वाह, क्या बात, पहले अपने आप को बदलो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेशक बेशक। तो ऐसे उलमा, ऐसे मुसन्निफीन, उनकी कोई कदर नहीं हो रही है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आगे नजराना दे दीजिए हमारे दोस्त को, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जिस जाफिशानी के साथ किताब लिखी है, कम से कम पढ़ तो लीजिए। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है भाई। और देखिए, तंजो मजाक की किताब नहीं है, हकीकत ईमान की किताब है। सुभान अल्लाह, बेशक। तंजो मजाक की होती, पतरस बुखारी हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पतरस बुखारी को पढ़ा, वो मजाहिया निगार था, उसकी एक पतली सी किताब थी हमारे सिलेबस में दाखिल थी ग्रेजुएशन में उर्दू में, मजामीन पतरस। तो उसको खोले आप, उसने शुरू ही में लिखा है कि अगर आपने ये किताब खरीद कर पढ़ी है तो मेरी नजर में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, वो ही नहीं है। और अगर आपने किसी से मांग कर पढ़ी है तो मैं आपके हौसले की दाद देता हूं, और अगर आपने चुरा कर पढ़ी है तो मेरे लिखने का आपने हक अदा कर दिया। तो वो तंजो मजाक की किताब थी, इसलिए ऐसा लिखा गया। ये हकीकत ईमान पर मुश्तमिल किताब है। वाह क्या बात। इसलिए होना तो ये चाहिए था ना कि जितनी कीमत रखी गई है उससे ज्यादा अदा करके लिया जाए। वाह, उससे ज्यादा अदा करके लिया जाए, तब तो बात बने। अच्छा, पहले जमाने में रस्म इजरा होती थी ना स्टेज पे, माफ कीजिएगा जो लोग किताब रखे हुए थे ना हाथ में ऐसे दिखा रहे थे, जरा सुन लीजिए। पहले जमाने में रस्म इजरा होती थी तो जो लोग करते थे ना रस्म इजरा, वो मुसन्निफ की खिदमत में नजराना पेश करते थे। जी भैया, आपके हाथों से रस्म इजरा हो रही है तो आप नजराना पेश कीजिए मुसन्निफ की खिदमत। ये क्या कि नाम कमा, आपने कौन सा काम किया जो नाम कमा रहा है, इसे फोटो खिंचवा रहे हैं। जिन्होंने लिखा उनकी खिदमत में नजराना पेश किया। ये दोनों किताब जो है मेरे हाथ में तो एक ही थी, लेकिन मैं दोनों लूंगा, दुआउस्सादिकीन भी और शुआए ईमान भी। और दुआउस्सादिकीन के बारे में आपने सुन लिया ना कि अपने मशायख और अपने जद्दे आला में से एक इंतहाई अहम बुजुर्ग, जिन्होंने कुरान करीम में जो आयतें रब्बना या रब्बी से शुरू है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सिखाता है दुआ, ये अल्लाह का अंदाज है। मांगता किससे है इंसान दुआ, बोलिए दुआ किससे मांगते हैं, अल्लाह से। और अल्लाह खुद सिखा देता है कि ये मांगो और ऐसे मांगो, ऐसे मांगो। कभी सोचा आपने क्यों सिखाता है अल्लाह, कभी गौर किया इस पर? हम लोगों का हाल ये है कि जो हमसे मांगने आएगा ना, हम चाहते हैं कि उसको पते नहीं रहे कि कैसे मांगना, ताकि देने से बच जाए। हम तो यही चाहते हैं ना, उसको पता ही ना चले कि मांगना कैसे, ताकि देना ही ना पड़े। वो एप्लीकेशन लेके आवे, रिजेक्ट कर दे, नहीं
ये शरायत पे नहीं उतर रही है दरखास्त, ले जाओ भागो। हम यही चाहते हैं ना। अच्छा, प्रिंसिपल साहब जिस बच्चे के लिए चाहेंगे कि हाँ इसकी फीस माफ कर दी जाए, जिसके लिए चाहेंगे कि इसकी फीस माफ कर दी जाए, उसको धीरे से बुलाएंगे, इधर आओ। ये जो तुम लिखे हो ये सही नहीं लिखे, इसमें ये भी बढ़ाओ, इसमें ये भी बढ़ाओ, बेशक ये चीजें बढ़ा दो ताकि वो उस दायरे के अंदर आ जाए जिस दायरे में आने के बाद फीस माफ करना मुझ पर लाजिम हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की आदत करीमा है कि वो अपने बंदों को खुद बता देता है कि मुझसे इस तरह मांगो ताकि अता करना मैं अपने ऊपर लाजिम कर दूं। सुभान अल्लाह, आदत करीमा है, बेशक देता है। माशाल्लाह, ऐसे आके मांगो ताकि अता करना मैं अपने ऊपर लाजिम कर। वो जो अल्लाह ने सिखाया ना रब्बना से और रब्बी से, उसी को दुआ की शक्ल, वो सब दुआ ही होती है। जैसे कि इमाम साहब मांगते ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये कुरान में है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, कुरान में है। ये रब्बना से शुरू, और रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात, ये रब्बी से शुरू है। तो ये जो रब्बना या रब्बी से शुरू होती है आयतें, दुआ वाली आयतें, उसी को एक मुख्तसर से रिसाले में जमा किया था आपके जद्दे आला ने, उसमें मजीद इजाफे के साथ उसको एक मुस्तकिल किताब की शक्ल में, वो तो फारसी में थी, उसका पहले उर्दू ट्रांसलेट करवाया गया, वो भी हमारे दोस्त हज़रत सैयद कमरुल इस्लाम साहब के जरिए उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी, उर्दू ट्रांसलेशन हुआ उसका। और फिर उसके बाद जो है उसमें मजीद इजाफे के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुआएं हैं, हजरत अली की दुआएं हैं, दीगर बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, गौसे पाक की दुआएं, दीगर मशायख की दुआएं हैं, उन सब को जमा कर दिया गया है। तो वो दुआएं भी ऐसी तिरियाक हैं कि मांगा जाए तो यकीन रखिए कि वो बाबे इजाबत खुलवा कर रहेंगे। तो ये दो किताबें हैं, दुआ उस्सादिकीन और शुआए ईमान, हकीकत ईमान, उसकी लज्जत से कैसे रूशनास होंगे। और वो दुआएं जो सादिकीन की हैं और इंसान को सिद्क के साथ मांगने पर मजबूर कर देती है। ये दो किताबें हैं, मैं खुद उसको खरीद रहा हूँ, नजराना नहीं ले, गिफ्ट नहीं ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। कीमत कितनी है? नहीं बताया, नहीं वो तो ठीक है, कीमत है कितनी? एक की कीमत तो गालिबन देखा था मैं 250 रुपये, एक की 400, तो जिसकी 250 है उसको 500 में लूंगा, जिसकी 400 उसको 800। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसकी 250 कीमत है उसे 500 में लूंगा, और जिसकी 400 कीमत है उसे 800 में लूंगा। वो 400 और 250 तो हो गई किताब की का हदिया, अब बाकी मेरे दोस्त का नजराना। वाह वाह, तो जितने लोग थे हमारे फरीद भाई किबला जी भी देंगे नजराना। आपके छोटे भाई ने ये कारनामा अंजाम दिया, आप पर तो ज्यादा लाजिम, बिल्कुल जी, तीन गुना माशाल्लाह, तीन, हाँ तीन गुना। इस मामले में जो है ना, बड़ा छोटा नहीं होता है कि बड़े ने जितना दिया छोटे को उससे कम रहना, ना ना, इसमें तो जो जितना लुटा दे। एक बुजुर्ग के दो साहबजादे थे, तो जाहिर है दो होंगे तो एक बड़ा है छोटा। तो जब उनका आखिर वक्त आया तो मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आपके बाद गद्दी पे कौन बैठेंगे, आपके बाद गद्दी पे कौन बैठेंगे? तो आपने जवाब कितना खूबसूरत दिया।